फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में हमारे 5 डायनेस्टी हैं। एक तो जो हम शुरू में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो है स्लेव डायनेस्टी। सेकंड है हमारी खलजी डायनेस्टी। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ है सैयद डायनेस्टी। और जो फिफ्थ है वो है हमारी, लास्ट में जब हम पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो हम शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी, जिसने किसने फाउंड की थी, किसने स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत किया था, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब शुरू किया था? 1206 से 1210 तक, उनका 4 साल का तक वो रहे थे। ये जो थे, स्लेव डायनेस्टी कैसे शुरू हुई? स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई जो मोहम्मद गौरी थे, उनके जो स्लेव थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो स्लेव थे, तो वो जो गौरी थे, उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा कर फिर वो अपने वापस देश चले गए। फिर उसके बाद आए हमारे, उनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको स्लेव ने उस बैटल में उनको हेल्प किया था गौरी को। तो उसके बाद जब वो वापस अपने देश जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जो स्लेव थे उनको अपना सारा सौंप के चले गए वो, कि आप अपने मेरी टेरिटरी का ध्यान रखिए, और वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने अब अपने किंगडम उस पे किंगडम पे राज कर लिया, वो आ गए अब गद्दी पे। तो उनकी जो 1206 में वो बैठ गए। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने फाउंड किया था इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम। उन्होंने क्या किया, इंद्रप्रस्थ पे अपना रूल, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है वहाँ पे अपना रूल सेटअप किया। यही थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी का फाउंड किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना कैपिटल जो है, ये कैपिटल कहाँ पे बनाया, लाहौर में। लाहौर को अपना कैपिटल बना दिया। और अपना जो टाइटल है, इन्होंने क्या टाइटल एज्यूम किया, अपने आप को क्या टाइटल दिया, सुल्तान। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सुल्तान और लाहौर। फिर उसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते थे लाख बख्श। क्या बोलते थे? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 लाख कॉइन्स को चैरिटी में दिया था। ये आपको याद रखना है कि लाख बख्श बोलते थे क्योंकि उन्होंने 1 लाख कॉइन्स को चैरिटी में लोगों को दे दिया था। सो ही वॉज अ गिवर ऑफ लैक्स, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श। फिर उन्होंने कई कंस्ट्रक्शन किए थे। उसने एक तो मॉस्क कंस्ट्रक्ट की, नाम था उसका कुवैत उल इस्लाम, जो कि है दिल्ली में। और एक उन्होंने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट उनके, कुवैत उल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया किसके ऑनर में? उनके एक सेंट थे, सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिस नेम इज ऑल्सो टू बी रिमेम्बर्ड। जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था वो किसने स्टार्ट किया? अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनकी जो डेथ हुई वो कैसे हुई? चौगान खेलते हुए। जो पोलो है, पोलो को हम हिंदी में बोलते हैं चौगान, तो चौगान खेलते हुए उनकी डेथ हो गई। कब हुई? 1210 में। सो ये है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारा। अब हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट आए इल्तुतमिश आए। ये जो थे इल्तुतमिश, ये बिलोंग करते थे इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो इल्तुतमिश का बेटा कौन था? आराम बख्श को हरा के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था वो कौन था? आराम बख्श। उसको हरा कर वो गद्दी पे बैठे और वो सुल्तान बन गए। फिर उन्होंने
जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कैपिटल लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था, इन्होंने क्या किया, लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया कैपिटल, एंड ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो इन्होंने जो कुतुब मीनार थे उसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने पूरी की, एंड ही बिल्ड अजमेर शरीफ मॉस्क, इन्होंने अजमेर में शरीफ मॉस्क बनवाई। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा। सिल्वर कॉइन्स का नाम रखा टाका, और जो कॉपर कॉइन्स थे उनको बोला गया जीतल। फर्स्ट टाइम में ये इन्होंने इशू किए। उसके बाद उन्होंने एकता सिस्टम शुरू किया, एकता सिस्टम शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और अपनी आर्मी में, और उसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड, जो आर्मी थी उसको सेंट्रल रिक्रूट करता था और वही पेड करता था। फिर उसके बाद आया, उन्होंने क्या किया, 40 जो रिच तुर्किश लोग थे उनकी उसने ग्रुप बनाई, उसको नाम दिया चहलगानी। ये 40 तुर्किश नोबल्स थे, इनका जो ग्रुप एक बना वो बना चहलगानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चहलगानी। उसके बाद ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चंगेज खान का, कि किसके शासनकाल में चंगेज खान ने इंडिया पे अटैक किया था। सो दैट इज इल्तुतमिश। चंगेज खान जो थे, देखो मंगोल, एक इल्तुतमिश का एक फ्रेंड था ख्वारज्म शाह, वो था मंगोल, मंगोल में रहता था। तो उसका जो है एक दुश्मन था चंगेज खान। तो ख्वारज्म शाह ने क्या किया, इल्तुतमिश से हेल्प मांगी कि प्लीज़ मुझे हेल्प दीजिए और मैं संकट में हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये चंगेज़ खान है इसके साथ अपोजिट में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो अपने लिए कोई ख़तरा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद चंगेज़ खान ने ढूंढते ढूंढते खूब उनके पीछे आया, अटैक किया, लेकिन अपन इंडिया वाले लोग बच गए थे। तो जब ये, तो जो इल्तुतमिश है उसने दिल्ली सल्तनत को उसके चंगेज़ खान के रेत से बचाया। नेक्स्ट कम्स रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी।